गुरदासपुर लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार अभियान पूरी तरह से तेज हो गया है। फिल्म स्टार धर्मेंद्र ने अपने बेटे सन्नी देओल के समर्थन में गुरदासपुर में डेरा डाल दिया है। सन्नी देओल ने भाषण देना भी सीख लिया है। जरूरत पड़ने पर हेमा मालिनी और दूसरी फिल्मी हस्तियों को भी गुरदासपुर में बुलाने की योजना है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरदासपुर में सुनील जाखड़ को पंजाब का अगला मुख्यमंत्री होने की घोषणा करके कई तरह की अटकलबाजियों को जन्म दिया है। 14 मई को प्रियंका गांधी भी सुनील जाखड़ के पक्ष में रैली करने के लिए गुरदासपुर आ रही है। सनी देओल ने सोमवार को अपना पहला भाषण फतेहगढ़ चूड़िया विधानसभा क्षेत्र के गांवों में दिया। सनी देओल ने कहा कि गुरदासपुर के युवाओं के अच्छे भविष्य के लिए स्कीमें लेकर आना उनकी प्राथमिकता रहेगी। सनी देओल ने युवाओं को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए विशेष प्रयास करने का भरोसा भी दिया। सनी देओल ने कहा कि इसके लिए गुरदासपुर के गांवों में जिम स्थापित किए जाएंगे। सनी देओल ने तकनीकी और रोजगार दिलाने वाले शिक्षा संस्थान खुलवाने का यकीन भी दिलाया। सनी देओल ने कहा कि गुरदासपुर हलके की अनेक समस्याओं को तुरंत हल करने की जरूरत है। सनी देओल ने मतदाताओं से ज्यादा वोटों से जिताकर सेवा का मौका देने की अपील की है। इससे पहले सनी देओल स्टेज पर सिर्फ अपनी फिल्मों के डायलॉग ही सुनाते थे। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने अपने बेटे सनी देओल की जीत के लिए गुरदासपुर में डेरा डाल दिया है। धर्मेंद्र ने गुरदासपुर में आकर डॉक्टर बलराम जाखड़ से अपने संबंधों का विशेष उल्लेख किया। धर्मेंद्र ने कहा कि अगर उनको पता होता कि गुरदासपुर में मुकाबला बलराम जाखड़ के बेटे से होना है तो वे सन्नी को कभी चुनाव नहीं लड़ने देते। धर्मेंद्र ने यह भी कहा कि जब मैदान में आगे हैं तो सिरे लगाकर ही जाएंगे। धर्मेंद्र किसी फिलोसफर की तरह से बात करते हैं। धर्मेंद्र कहते हैं कि मुकद्दर उनको फिल्मी इंडस्ट्री में लेकर गया था और मुकद्दर ही सन्नी को राजनीति में लेकर आया है। धर्मेंद्र अपने परिवार को राजनीति से ऊपर बताते हैं। धर्मेंद्र कहते हैं कि हम देशभक्त लोग हैं और देश का भला करना चाहते हैं। धर्मेंद्र अपनी बचपन की यादें भी मतदाताओं के साथ साझा करते हैं। धर्मेंद्र बीकानेर के लोगों के लिए किए गए अपने कामों का भी उल्लेख करते हैं। सनी देओल की ओर से धर्मेंद्र गुरदासपुर के मतदाताओं को हर तरह से काम आने का यकीन दिला रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार सुनील जाखड़ का प्रचार अभियान भी तेजी से चल रहा है। पिछले सप्ताह भोआ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि एक दिन सुनील जाखड़ पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। कैप्टन के इस बयान से पंजाब की राजनीति में हलचल मच गई है। विरोधी पार्टियों और मीडिया द्वारा इसके अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री बदले जाने की संभावना प्रकट की जा रही है। कैप्टन के बयान के बाद इस लिस्ट में पंजाब का नाम भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। मीडिया द्वारा इस बयान को नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ गठजोड़ भी माना जा रहा है। अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया का कहना है कि इस बयान से कैप्टन ने लोकसभा चुनाव में अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी 14 मई को सुनील जाखड़ के पक्ष में जनसभा करने के लिए गुरदासपुर आ रही हैं। पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी विधानसभा में कांग्रेस को 2/3 बहुमत हासिल है। गुरदासपुर लोकसभा सीट में आने वाली 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर कांग्रेस का कब्जा है। गुरदासपुर से पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ मैदान में हैं। गुरदासपुर से कांग्रेस की जीत पार्टी के लिए कई महीनों में महत्व रखती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।